दोस्तों, जो सिंगल फेज का समर्सिबल पंप होता है, उस पंप का कनेक्शन हम किस प्रकार से एक स्टार्टर के साथ में करेंगे, और जो हमारा सिंगल फेज का समर्सिबल पंप स्टार्टर है कॉन्टेक्टर टाइप की, ये कॉन्टेक्टर टाइप का जो स्टार्टर है किस प्रकार से वर्क करता है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मेरे पास में स्टार्टर है, ये स्टार्टर हमारा सिंगल फेज समर्सिबल पंप स्टार्टर है। इस स्टार्टर को जय सिंघानी ग्रुप कंपनी के द्वारा बनाया गया है। जय सिंघानी ग्रुप की कंपनी का जो स्टार्टर होता है सबसे बेस्ट होता है किसी भी समर्सिबल पंप को चालू और बंद करने के लिए, इसीलिए मैंने इस कंपनी का एक स्टार्टर बाय कर लिया आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए। इस स्टार्टर में जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक अमीटर, वोल्ट मीटर, दो पुश बटन, एक इंडिकेशन लैंप और यहाँ पे एक पुश बटन है जिसके द्वारा हम वोल्टेज को चेक करते हैं। ठीक है, इस स्टार्टर के अंदर में आपको एक कॉन्टेक्टर, एक ओवरलोड रिले और साथ ही साथ में कुछ कैपेसिटर भी मिल जाएंगे। जैसे कि आपको मालूम है, जो सिंगल फेज का मोटर होता है और जो पंप होते हैं उनको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हमें कैपेसिटर को कनेक्ट करना पड़ता है। ये जो मेरे पास में स्टार्टर है, इस स्टार्टर में टोटल 3 कैपेसिटर का इस्तेमाल किया गया है। क्यों इस्तेमाल किया गया मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, इस पैनल में आप देख सकते हो यहाँ पे एक टर्मिनल दिया गया है। ये जो हमारा टर्मिनल है इसमें हमें इनपुट पावर सप्लाई और जो हमारा पंप होता है उस पंप का जो केबल होता है उसको लाके हमें इसी टर्मिनल पे कनेक्ट करना होता है। कैसे कनेक्ट करते हैं समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें इस स्टार्टर को सिंगल फेज का पावर सप्लाई देना होता है। तो इस स्टार्टर को पावर सप्लाई देने के लिए आपको यहाँ पे दो वायर का इस्तेमाल करना होता है। एक वायर हमारा फेज सप्लाई के लिए होगा और एक वायर हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई के लिए होगा। अब ये जो हमारा फेज सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई है, इसको ले जाके हमें इस स्टार्टर का जो पहला टर्मिनल है, इस पहले टर्मिनल पे आपको फेज सप्लाई करना होगा। तो इसको मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ। अब ये जो मेरा फेज वायर है, इसको ले जाके मैं पहले नंबर के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करूंगा और जो मेरा ब्लैक वायर है यानी कि न्यूट्रल पावर सप्लाई है, इसको ले जाके मैं सेकेंड नंबर के टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूंगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे फेज और न्यूट्रल पावर सप्लाई दे दिया। अब यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो हमारा पुश बटन है, इस पुश बटन को जब हम प्रेस करेंगे तो आप देखोगे ये जो हमारा वोल्ट मीटर है वोल्टेज को शो करेगा। अभी के टाइम पे इस स्टार्टर को आप देख सकते हो 200 और 300 इसके बीच में हो जाएगा 250, यानी कि 230 वोल्ट के अराउंड इसको पावर सप्लाई मिल रहा है। ठीक है, अब मैं यदि यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस कर दूं तो मेरा स्टार्टर ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिकेशन लैम्प ग्लो होने लगा है। अब इसको बंद करने के लिए हमारे पास में एक पुश बटन है, इसको प्रेस कर दें तो हमारा स्टार्टर बंद हो जाएगा। लेकिन अभी के टाइम पे मैंने हमारा जो मोटर का केबल है उस केबल को कनेक्ट नहीं किए, तो चलिए मोटर के केबल को भी कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, जो हमारा समर्सिबल पंप होता है उस समर्सिबल पंप के साथ में जो हम केबल इस्तेमाल करेंगे वो केबल आपका हाई क्वालिटी वाला होना चाहिए। यदि आप किसी लोकल केबल को कनेक्ट कर दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा केबल होता है इसमें ज़्यादा करंट फ्लो होती है तो केबल हमारा हीट हो जाता है और हीट होने के बाद शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम आ जाती है। अब यदि आपके केबल में किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इस कंडीशन में आपका जो समर्सिबल पंप होता है उसको बोर्ड से बाहर निकालना पड़ेगा, फिर केबल को चेंज करके दोबारा से अंदर डालना पड़ता है। तो जब भी आप कभी समर्सिबल पंप का कनेक्शन करने जाओ तो हमेशा हाई क्वालिटी वाली केबल का इस्तेमाल करिएगा। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास में यहाँ पे जो केबल है इसमें लिखा गया है हीट रेसिस्टेंस पीवीसी इंसुलेटेड समर्सिबल फ्लैट केबल, यानी कि दोस्तों जो हमारा समर्सिबल पंप है उसके लिए स्पेशली ये वाला केबल डिजाइन किया गया है। ये जो केबल है इसको भी जय सिंघानी ग्रुप कंपनी के द्वारा बनाया गया है। यदि आप इस केबल को या फिर समर्सिबल पंप को बाय करना चाहोगे तो मैं डिटेल दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस डिटेल के द्वारा इस स्टार्टर को या फिर केबल को बाय कर सकते हो। अब जो हमारा समर्सिबल पंप का केबल होगा उससे आपको टोटल 3 वायर मिलेगा, एक हमारा रेड होगा, एक येलो और एक ब्लू। अब इन तीनों वायर को ले जाके हमें इन तीनों टर्मिनल पे कनेक्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक सावधानी देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपको ये बताते हैं कि जो हमारा आर है उसके साथ आर वाले वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा, वाई के साथ में वाई को और बी के साथ में बी को, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना होता है। कभी कभी क्या होता है, जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो गलती से जो हमारा वायर का कलर कोडिंग है उसको चेंज कर देता है। तो जब भी आप कभी कनेक्शन करने जाओ तो इसका आइडेंटिफिकेशन कर लीजिएगा कि कौन सा वायर किस लिए इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद ही कनेक्शन करिएगा। तो किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे इसको हम समझ लेते हैं। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम हमारा समर्सिबल पंप का जो वाइंडिंग होता है उसका है।
जो हमारा समर्सिबल पंप होता है उसमें दो वाइंडिंग किया जाता है। अब जो हमारा दोनों वाइंडिंग है इनका एक एक सिरे को, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो मेरा पहला वाइंडिंग है इसका जो आखिरी वाला सिरा है और जो दूसरे वाइंडिंग का पहला वाला सिरा है इनको आपस में शॉर्ट कर दिया गया है और इससे एक वायर को कनेक्ट करके बाहर लेके चले आए हैं। इसी प्रकार से जो हमारा फर्स्ट वाइंडिंग था इसका जो एक सिरा है इससे एक वायर को लेके आ गए हैं और इसके बाद जो दूसरा वाइंडिंग है इसका जो एक सिरा होगा इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके हम बाहर लेके आ जाते हैं। कुल मिला के आपको समर्सिबल पंप से टोटल तीन वायर मिलेगा। अब इन तीनों वायर में हम कैसे पता करेंगे कौन सा वायर किस लिए इस्तेमाल किया गया है, तो इसके लिए आपको सिंपल तरीका इस्तेमाल करना है। आप यहाँ पे एक मल्टीमीटर ले लीजिएगा। आपका जो मल्टीमीटर है इस मल्टीमीटर को आप कंटिन्यूटी पोजीशन पे रख दीजिएगा। कंटिन्यूटी पोजीशन पे रखने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो तीनों वायर है इन तीनों वायर के साथ में आपको रेजिस्टेंस को मेजर करना है। मान लीजिए कि आपका जो पंप है उस पंप से टोटल तीन वायर बाहर आए हैं तो यहाँ पे जो तीनों वायर होगा इसका हमें रेजिस्टेंस को मेजर करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेड और जो हमारा ब्लू वायर है इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। ये जो मेरे पास में वायर है अभी डम्मी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये किसी भी समर्सिबल पंप के साथ में कनेक्ट नहीं है तो अभी के टाइम पे यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आएगा। आप केवल यहाँ पे समझ लीजिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपका जो ब्लू वायर है और जो रेड वायर है इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस को मेजर करिएगा। जब आप रेजिस्टेंस को मेजर करोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगा। मान लेते हैं कि अभी के टाइम पे हमें रेजिस्टेंस 6 ओम मिला, किसके बीच में, रेड और ब्लू के बीच में। यहाँ पे हमने लिख दिए 6 ओम। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लू और वाइट यानी कि ब्लू और येल्लो के बीच में रेजिस्टेंस को मेजर करना है। तो अभी हम मान लेते हैं कि 8 ओम का हमें रेजिस्टेंस मिला। इसके बाद हम रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे रेड और येल्लो के बीच में, तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिल गया 14 ओम का। अब यहाँ पे हमारे पास में तीन वैल्यू है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना होगा। आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा रेड और येल्लो वायर था यानी कि ये वाला वायर और ये वाला वायर, इन दोनों के बीच में हमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो इसके अलावा जो वायर होगा यानी कि ये जो ब्लू वायर बच गया है ये ब्लू वायर हमारा कॉमन वायर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ से यहाँ तक हमने रेजिस्टेंस को मेजर किए तो सबसे ज़्यादा हमें रेजिस्टेंस मिला। तो इसका मतलब ये है कि जो बीच वाला पॉइंट है यानी कि बीच वाला जो वायर है वो हमारा कॉमन वायर हो जाएगा और कॉमन वायर के लिए हमेशा हम ब्लू वायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, यहाँ पे 6 ओम सबसे कम रेजिस्टेंस है तो आप देखोगे ब्लू और रेड के बीच में रेजिस्टेंस जो है वो सबसे कम है। तो यहाँ पे हमें ये मालूम चल गया कि जो ब्लू वायर है वो कॉमन है, उसको हमने पहले ही पता कर लिए थे। अब बच गया यहाँ पे रेड वायर, तो रेड वायर हमारा हो जाएगा रनिंग के लिए। यानी कि जो हमारा समर्सिबल पंप है उसमें जो स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग किया गया था तो जो हमारा रनिंग वाइंडिंग है उसमें जो पावर सप्लाई जाएगा उसके लिए रेड वायर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब इस वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा हमारा येल्लो वायर के बीच में रेजिस्टेंस है यानी कि ब्लू और येल्लो के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो 8 ओम है। तो ये जो हमारा येल्लो वायर है, येल्लो वायर हमारा हो जाएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए, ठीक है। अब यदि हम इस कॉमन वाले टर्मिनल पे न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं और जो हमारा कैपेसिटर होता है उसको रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में कनेक्ट कर देंगे, यानी कि कैपेसिटर का जो दो वायर है एक वायर को हम रनिंग पे कनेक्ट करेंगे और दूसरे वायर को स्टार्टिंग पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा फेज सप्लाई होगा उसको लाके रनिंग वाइंडिंग के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो इस कंडीशन में हमारा जो समर्सिबल पंप होगा वो पंप हमारा स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि यदि आपको डायरेक्टली चालू करना है किसी पंप को तो आपको कॉमन टर्मिनल पे न्यूट्रल पावर सप्लाई, रन वाले टर्मिनल पे आपको फेज सप्लाई और स्टार्ट वाले टर्मिनल पे आपको कैपेसिटर के द्वारा फेज सप्लाई देना होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने जो आपको कनेक्शन एक्सप्लेन किया इसको हम प्रैक्टिकली स्टार्टर में कनेक्शन कर देते हैं। अब ये जो मेरा स्टार्टर है, इस स्टार्टर का जो आउटपुट टर्मिनल है यानी कि मोटर के लिए जो टर्मिनल इस्तेमाल किया गया है इसमें तीन वायर कनेक्ट है, आप देख सकते हो रेड, येलो और ब्लू। ये जो तीनों वायर है इसमें एक कलर कोडिंग होता है। ये जो रेड वायर है, रेड वायर का इस्तेमाल हम करते हैं फेज सप्लाई के लिए, यानी कि जो हमने इनपुट पावर सप्लाई दी है यही इनपुट पावर सप्लाई हमें घूम फिर के इस पॉइंट पे मिलता है, यानी कि कॉन्टेक्टर के ऑन होने के बाद यहाँ पे हमें डायरेक्ट फेज सप्लाई मिलेगा इस रेड वायर के जरिए, ठीक है। इसके बाद ये जो ब्लू वायर है, ब्लू वायर के जरिए हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई मिलता है और ये जो हमारा येल्लो वायर है, येल्लो वायर के जरिए हमें कैपेसिटर के द्वारा पावर सप्लाई मिलता है। आप देखोगे ये जो येल्लो वायर है ये इस बीच वाले पॉइंट पे कनेक्ट है और यहाँ पे पावर सप्लाई इस पॉइंट से आ रहा है।
अब यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है इस पे आप देखोगे तीन वायर कनेक्ट है। अब ये जो तीनों वायर है ये तीनों के तीनों कैपेसिटर के हैं, यानी कि स्टार्टिंग कैपेसिटर और जो हमारा रनिंग कैपेसिटर है, इन तीनों कैपेसिटर के एक एक वायर को ले जाके हमने इस बीच वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दिए और बीच वाला पॉइंट हमारा इस येल्लो वायर के साथ कनेक्ट है जिससे कि पावर सप्लाई यहाँ पे आ जाए। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारा दो कैपेसिटर है रनिंग वाली, इनको पावर सप्लाई डायरेक्टली यहाँ से दिया गया है और इसमें पावर सप्लाई कहाँ से आ रहा है, हमारे रेड वायर से, यानी कि जो हमारा फेज सप्लाई है ये फेज सप्लाई हमारा इस पॉइंट पे आया है तो हमने इस पॉइंट से इन दोनों कैपेसिटर को फेज सप्लाई दे दिए हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है इसका काम केवल स्टार्टिंग के समय होता है, यानी कि मोटर को हाई टॉर्क के जरिए स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टिंग कैपेसिटर को लगाना पड़ता है। तो जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है इसका काम केवल स्टार्टिंग के समय रहता है, तो इस कैपेसिटर को जो पावर सप्लाई जाता है वो पुश बटन के जरिए जाता है, यानी कि जब हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तो उस समय इस कैपेसिटर में पावर सप्लाई जाएगा और इसका पावर सप्लाई इस पॉइंट पे चला जाएगा, यानी कि जब हम मोटर को स्टार्ट करने के लिए बटन दबाते हैं तो उस समय इन तीनों कैपेसिटर से पावर सप्लाई आता है हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग में। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं कि पुश बटन को रिलीज करेंगे तो तुरंत ही स्टार्टिंग कैपेसिटर से पावर सप्लाई जाना बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम कनेक्शन कर देते हैं। तो जो हमारा मोटर है उस मोटर का तीन वायर ये है, मैंने आपको बता दिया, रेड वायर हमारा रनिंग के लिए है, येलो वायर स्टार्टिंग के लिए और ब्लू वायर कॉमन है। ब्लू वायर में हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई देना है, ये जो ब्लू वायर है इसमें हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई मिलेगा तो ब्लू को ब्लू के साथ कनेक्ट कर दूंगा, येल्लो को येल्लो के साथ और रेड को रेड के साथ में कनेक्ट कर दूंगा। तो इसका कनेक्शन मैं कर देता हूँ। ओके दोस्तों, तो कनेक्शन हो गया, अब हम इस स्टार्टर को ऑन करके चेक कर लेते हैं। तो ऑन करने के लिए मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूंगा तो आप देखोगे हमारा जो स्टार्टर है वो ऑन हो चुका है। इसको प्रेस करते ही क्या होगा, ये जो हमारा कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर का जो प्लंजर होता है वो जाके इस टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से पावर सप्लाई चला जाएगा हमारे मोटर के लिए। अब यदि मैं इसको बंद करना चाहूँ तो स्टॉप पुश बटन को प्रेस कर दूंगा तो जो मेरा स्टार्टर है वो बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां पे समझ गए होंगे कि हम किस प्रकार से जो हमारा मोटर का केबल होता है इसका कनेक्शन करते हैं और साथ ही साथ में कैपेसिटर किस प्रकार से कनेक्ट होता है इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। दोस्तों यदि आपको किसी भी पंप के लिए स्टार्टर को बाय करना हो या फिर आपके पंप के लिए मोटर के लिए केबल को बाय करना है तो आप जय सिंघानी ग्रुप कंपनी का स्टार्टर और केबल को बाय कर सकते हो। इसका पूरा डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उस डिटेल के द्वारा उनसे कॉन्टेक्ट करके बाय कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।